इतना लेट हो गया है, अभी तक अर्णव को उठने का मन नहीं कर रहा, जबकि आज मैंने जल्दी उठाया भी नहीं इसको। क्यों अर्णव, क्यों इतना लेट उठ रहे हो? बटन कैसे लगाया तुमने अर्णव, ऊपर नीचे पूरे? सो चलो अर्णव को गुड मॉर्निंग बोलने से पहले, सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मानसी ब्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे हो। चलो उठो, इतने खुश क्यों होते, देर तक आपको सोने को मिल रहा, मम्मा उठा नहीं रही है। हाँ, एग्जाम्स खत्म हो गए आईना के, आईना के साथ ज्यादा टेंशन मेरी, मेरा टेंशन खत्म हुआ ऐसा फील हो रहा है। आईना का एक्चुअली हाफली का एग्जाम था और साथ में गणपति फेस्टिवल है, तो उसके जितने भी प्रैक्टिस हैं, और आईना को ऐसा है कि सब में पार्टिसिपेट करना है ना। किस किस में पार्टिसिपेट किया है? डांस, लेजिम, तीन डांस परफॉर्मेंसेज है, सीधे लग जाएगी। डांस है तीन, लेजिम है अलग, ठीक है। फैशन शो, स्किट, फैंसी ड्रेस, मतलब जो है जितने फंक्शन जहां पे भी बच्चे हैं अर्णव के एज के पॉसिबल, स्पोर्ट्स, ड्राइंग, वो भी तो सब में ले लिया है। तो मतलब पढ़ाई के साथ अर्णव का इवनिंग कैसे जाता था, यहाँ से प्रैक्टिस से निकली वहां, वहां से निकली वहां, तो पूरी इवनिंग उसकी वैसे जा रही थी। बट अभी एग्जाम उसका फाइनली हाफली इज डन, तो अभी ऐसा है कि एग्जाम्स खत्म हो गए तो अर्णव फुल ऑन एंजॉय कर सकती है ना। चलो जाओ, ब्रश व्रश करो, मुंह धो। चलो सारा ब्रश हो गया ना आपका, आ जाओ दूध ले लो। तो अर्णव का हो गया ब्रश वगैरह, तो अभी आगे चढ़ाया दूध, ग्लास लेके आओ, ग्लास वो लेके आओ। तो हल्का सा ही वॉर्म चाहिए आपको, गर्म चाहिए ज्यादा? तुझे वॉर्म, हल्का वॉर्म। सो आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं अनन्या का जो क्या खाती है अनन्या, मतलब कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि अनन्या दूध वगैरह कब लेती है और क्या मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट लेती है, तो मुझे लगा कि आज छुट्टी का दिन है अनन्या का, तो चलो आज वही शेयर करते हैं। आराम से ग्रिप करके पकड़ो, धीरे से डालो, आराम से डालो। अनन्या को आजकल किचन में बहुत इंटरेस्ट आता है। सो वैसे अनन्या ना मोस्टली टच वुड सब कुछ खा लेती है, लेकिन जब हरी सब्जियां, हेल्दी सब्जियों की बात होती है तो अनन्या थोड़ा बहुत नाटक करती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि थोड़े न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ जो उसके लिए रेसिपीज बना वो थोड़े से क्या हो, हेल्दी और टेस्टी, मतलब न्यूट्रिशियस तो ऑब्वियसली न्यूट्रिशियस है तो हेल्दी होगा, थोड़ा टेस्टी बनाऊं। सो मौसम भी अभी ऐसा हो रहा है कि कभी बारिश है और एकदम से धूप हो जाती है, सो कोल्ड एंड कफ, मतलब ऐसा है कि इजी हो जाता है बच्चों को कैच करना, तो हेल्दी डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों की इम्यूनिटी के लिए। अच्छा मम्मा, मैं ये दोस्त को डालूंगा, दोस्त को डालूंगा। तो जो अनन्या ये हेल्दी सा ड्रिंक बना रही है ना अपने लिए, इसमें ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। सो दूध में अनन्या ने डाला है लिटिल जॉयस का न्यूट्रीमिक्स पाउडर। सो व्हाट आई लाइक अबाउट न्यूट्रीमिक्स इज दैट कि ये नेचुरली स्वीटेंड न्यूट्रिशन पाउडर है, तो आपको ना दूध में अलग से शुगर ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। सो इसमें है आपके सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे रागी, बाजरा, ओट्स, ड्राई फ्रूट्स, और ये नेचुरली स्वीटेंड है यूजिंग जैगरी। सो अनन्या को तो मतलब ऐसा है कि ऐसा जैसा लगता है कि चॉकलेट खा रही है, चॉकलेटी सो अनन्या को ये बहुत पसंद है बिकॉज ये टेस्टी इतना ज्यादा है, और मुझे भी आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज इसमें न्यूट्रिशन बहुत है, सो इट इज वेरी न्यूट्रिशियस। सो जो आपके यू नो इम्यूनिटी और आपका जो बोन है उसको स्ट्रेंथन करता है, और क्या करता है, हेल्दी वेट गेन और हाइट जो है उसकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। यस, हैप्पी, मजा आया? तो ऐसा पूरे टाइम मैं दूध बनाऊंगी। लो ग्लास को जरा उसके पास रखो जो। और एक और चीज, अगर आप पेरेंट हो तो जो लिटिल जॉयस का ऐप है वो भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है। उसमें ना आपका पेरेंटिंग से रिलेटेड, चाइल्ड केयर, चाइल्ड न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। सो जो लिटिल जॉयस है उसके ऐप में आपको मिलेगा फ्री कंसल्ट विद पेडियाट्रिशियंस, आपका BMI ट्रैकर, हैबिट बिल्डर है, जो पेरेंट कम्युनिटी है यहाँ पे जहाँ पे आपको हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, फेलो पेरेंट्स से हैं जो जिनसे आप बात करके यू नो अपने जो बच्चों हैं उनके हेल्थ के बारे में डिस्कस कर सकते हो, आप अपने रेसिपीज शेयर कर सकते हो दूसरे पेरेंट्स के साथ, या फिर आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है पेरेंटिंग टिप्स और कंटेंट का। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि है रेसिपी जनरेटर, तो जहाँ आप अपने हिसाब से सुपर कूल रेसिपीज जो है ना वो भी जनरेट कर सकते हो। सो देखा आपने, ये ऐप बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, और साथ ही आपको मिलता है 30% का कैशबैक थ्रू द ऐप। तो चलो दूध हो गया, तो अभी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ एक बहुत ही इजी येट वेरी हेल्दी जो स्नैकिंग ऑप्शन होता है ना वो, और अनन्या को ये बहुत पसंद आते हैं, बिल्कुल पॉपकॉर्न जैसे हैं, देसी पॉपकॉर्न बट मतलब ऐसा बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन के साथ ना वैसा। सो ये है बेसिकली मखाने। ओके, सो मखाने मेरे घर में बहुत बनता है बिकॉज हम सबको पसंद है, अनन्या जस्ट लव्स इट। जैसे होता है ना आते जाते भूख लगती, मम्मा भूख लगी, सो ये दे दो, एक कटोरी फुल भी होता है और काफी अच्छा न्यूट्रिशन होता है,
इसका रेसिपी आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। बिल्कुल बेसिक बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है घी, घी कम ज्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो बच्चों का है तो थोड़ा सा घी ज्यादा ही रख देते हैं, हल्का सा। मैं डाल रही हूँ मैं हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, हाँ मिर्ची का पाउडर, यानी बहुत ज़्यादा तीखा खाती नहीं है। तो बिल्कुल हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, तो उसमें हमारे मखाने जो है उनको डाल देंगे। आप काली मिर्च का पाउडर इसे भी डाल सकते हो इनकेस यू नो आपको लगे तो। मैंने बोला ना इसमें मतलब एंडलेस है तरीका बनाने का। और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक और इसको हिलाते रहेंगे। तो इसको हमको तब तक हिलाना है जब तक आप इसको हाथ में लो ना, और आप देखो ये ऐसा क्रैक हो रहा है, अभी देखो ऐसा कैसा है ना, क्रैक नहीं हो रहा है। तो आपको इसको तब तक इसको करते रहना है। तो थोड़ा टाइम लगता है इसको ना वो उस लेवल तक आने में, तो कम आंच में बीच बीच में आके बस हिलाते रहना है। तो इसको ना बीच बीच में हिलाना नहीं भूलना है, वरना नीचे के जल जाएंगे और ऊपर के ठीक से सिकेंगे नहीं। तो हमारे जो मखाने हैं ना वो अच्छे से हो गए हैं, जैसे मैंने बोला। कैसे पता लगेगा, आप मखाना लो इसको ऐसा देखो, ये फूट रहा है, इसका मतलब क्रंची क्रंची हो गया, इसका मतलब ये बन गया है। सो हमारे जो मखाने हैं ना वो बन गए हैं, और इसको आप इजीली स्टोर कर सकते हो, काफी दिन तक चलते हैं। एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दो तो क्रंची वैसे का वैसा रहता है, या फिर आप थोड़ा थोड़ा बनाते हो ना अगर, तो फ्रेश फ्रेश बना के भी खा सकते हो, कम्प्लीटली अप टू यू, पर ये काफी दिन तक चल जाते हैं। सो चलो आइना का नाश्ता रेडी करते हैं, और नाश्ते में बनाने वाली हूँ उसका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, इसलिए मैंने सोचा आज मैं शेयर करती हूँ जो ना उसका ब्रेकफास्ट रूटीन, बिकॉज ये बहुत सिंपल रेसिपी है और अनन्या को इतना पसंद है। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, मुझे पता है आपको पता है कि क्या है। तो ये है पैनकेक, मतलब वो दिन में अगर आपको तीनों बार दो ना, तीन टाइम दिन में दे दो, मॉर्निंग में भी, आफ्टरनून में, डिनर में भी, तो शी विल बी हैप्पी, हैप्पीली वो उसको खा लेती है। सो टेस्टी भी होता है, बहुत हेल्दी होता है। सो आज की रेसिपी में मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर रही हूँ जो पैनकेक का है वो, टू मेक इट इवन मोर हेल्दियर। सो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब भी मैं कुछ रेसिपी बनाऊं, ओवर द टाइम अगर उसमें और आप कुछ इनकॉर्पोरेट करके न्यूट्रिशियस उसको और बना सकते हो, सो आई कीप ऑन डूइंग दैट। तो चलो आज आपके साथ जो पैनकेक का रेसिपी है वो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ले रहे हैं सबसे पहले थोड़ा सा दूध, इसमें डालेंगे गुड़, गुड़ थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि हम एंड में इसमें ना वो न्यूट्रीमिक्स डालने वाले हैं, तो उससे भी ये काफी मीठा हो जाएगा। हल्का सा ऑयल, एक एग, थोड़े से वनीला एसेंस के ड्रॉप्स, अच्छे से विस्क कर लेंगे ऐसा। सो ये हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया है। इसमें अब हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, तो मैं डाल रही हूँ आटा, न्यूट्रीमिक्स भी इसमें डाल रही हूँ मैं, कि आपको जो बैटर है मैं आपको दिखाती हूँ कैसी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। और इसमें हम बेकिंग पाउडर लास्ट में डालेंगे, इसको हल्के से पहले तो हमको ऐसा फोल्ड करना है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा विस्क नहीं करना है, तो उससे जो पैनकेक है ना बहुत चुई से बनते हैं और वो सॉफ्ट सॉफ्ट स्पंजी स्पंजी नहीं बनते हैं। तो हल्के हल्के से हमको ऐसा धीरे धीरे से ऐसा मिक्स करना है। सो ये हिसाब से देखो ऐसा बैटर चाहिए हमको, ठीक है, थोड़ा थिक सा ही चाहिए। ये हो गया है हमारा। अब फाइनली बेकिंग इसमें पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा, ताकि वो थोड़ा सा और स्पंजी सा जो है ना वो टेक्सचर आए। तो इसको भी हम अच्छे से घुमा लेंगे, अगेन हल्के हल्के ही घुमाना है हमको, बहुत तेज तेज करके नहीं घुमाना है ऐसा। सो फाइनली ऐसा हमारा जो पैनकेक का बैटर है वो रेडी हो गया है। तो गैस पे हमने तवा चढ़ाया है, बिल्कुल मीडियम, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है। इसमें ऑयल को डाल के ना, ऑयल को हमको रहने नहीं देना है, ऑयल को हमको ना ऐसा निकाल देना है पूरा ऐसा इस पे तवे पे लगा के। तो इससे एक ना इवन सी बहुत प्यारी सी कोटिंग आती है, जो पैनकेक की जनरली आप देखते हो ना जब आप शॉप में लेते हो, तो वैसी कोटिंग आएगी। तो अभी हम इसमें पोर करेंगे अमाउंट। सो इसको अभी हम कर देंगे फ्लिप, देखो कितनी मस्त कोटिंग आई है ना। जनरली ये मैदे का बनता है, तो अगर मैदे का होता तो वो कलर डिफरेंस आपको समझ में आता, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें यू नो ट्राइंग टू मेक इट जितना हेल्दी हो सके उतना, तो इसलिए वैसा व्हाइट और ब्राउन का डिफरेंस नहीं दिख रहा, बट सी व्हाट अ ब्यूटीफुल कोटिंग। इसको हमको बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, तो दोनों साइड से अच्छे से कुक हो गया है और प्रेस नहीं करना है इसको, तो ये बन गया है। तभी देखो, रुको दिखाती हूँ आपको, ये ऐसा कितना अमेजिंग बना, देख के पता लग रहा है कितना सॉफ्ट सॉफ्ट और बिल्कुल स्पंजी स्पंजी है। ये
हो गया यहाँ के पैनकेक्स रेडी। इसको आप मेपल सिरप के साथ सर्व कर सकते हो, चॉकलेट सॉस ऊपर डाल के, या फिर ऊपर से थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स अगर आप चाहो ना ऊपर से स्प्रिंकल करके वैसे भी कर सकते हो, बट अनन्या को बिल्कुल सिंपल प्लेन पसंद है तो उसको मैं वैसे ही देने वाली हूँ। सो नाश्ते में बच्चा ऐसा होलसम ब्रेकफास्ट करे ना तो एज अ मदर बड़ी तसल्ली होती है, और न्यूट्रीमिक्स की वजह से भी आई एम वेरी श्योर कि जो है अनन्या को सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल रहे हैं। सो या दिस वॉज माई टूडेज वीडियो, अनन्या का जो ब्रेकफास्ट रूटीन है, अनन्या क्या खाती है मॉर्निंग में वो आई ट्राइड टू शेयर। और आपके भी अगर कुछ ऐसे रेसिपीज हो जो आपके बच्चों को बहुत पसंद है और काफी हेल्दी है तो कमेंट सेक्शन में पक्का बताना, हम अनन्या के लिए ट्राई करेंगे, है ना अनन्या। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। सो ऐप का लिंक और प्रोडक्ट लिंक सारे रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यस आप लोग भी टेस्ट कर लो, है ना। सो आप वहां से चेक कर सकते हो। चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय।